Welcome to the future. टाइपकास्टिंग क्या होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइपकास्टिंग बेसिकली ये कहलाती है कि अगर मुझे किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा की टाइप चेंज करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए टाइपकास्टिंग का यूज़ करूँगा जो कि पीएचपी मुझे प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल बनाया और इसको मैंने लिख दिया str equals to डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया 54, ठीक है। अब मुझे इसकी डेटा टाइप चेक करनी है तो मैं क्या करूँगा, वारडम करूँगा। मैंने वारडम किया और यहाँ पे str लिखा और इसको जब मैंने चेक किया तो अरे भाई तो ये बता रहा है स्ट्रिंग है, ठीक है, और क्या है इसके अंदर, इसकी कैरेक्टर लेंथ क्या है 2 और डेटा कितना है इसके अंदर 54, ये डेटा है, ठीक है, और डबल कोट्स के साथ बता रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसकी डेटा टाइप चेंज करनी है। डेटा टाइप चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक दूसरा नंबर बना लेता हूँ, दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया num equals to और यहाँ मैंने लिख दिया str, ठीक है, और यहाँ इससे पहले मैं क्या लिखूँगा, जिस डेटा की टाइप में मुझे इससे चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर उस डेटा की टाइप लिख दूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया int, int का मतलब क्या है कि अब क्या बन जाएगा, ये इंटीजर बन जाएगा। अब देखना वार डम पे, ये क्या हुआ, अच्छा हमने str ही रखा हुआ यहाँ पे, जब ही तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा str बता रहा अभी तक, ठीक है, क्या बन गया इंटीजर। अच्छा इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ ऊपर से, अब ये इंटीजर बन गया। इसी तरह अगर किसी इंटीजर को आपने स्ट्रिंग बनाना होगा तो उसके लिए एक int नाम का वेरिएबल बना लिया मैंने, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 4। अब इसको मुझे बनाना है स्ट्रिंग, तो क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ equals to, अब इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या करूँगा, क्या करूँगा, यहाँ पे आके ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख दूँगा, स्ट्रिंग लिख दूँगा सिंपल। और यहाँ आके अगर मैं अल्फा को प्रिंट करवाऊँ तो क्या होगा, स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब आप डेटा मंगवाते हो डेटाबेस से, ठीक है, तो उस वक्त इन केस ऐसा हो रहा होता है कि आपके पास जो डेटा है ना वो फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, तो फिर मसला ये आएगा कि उसको आपने कन्वर्ट करना होगा नंबर में। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप टाइप कास्टिंग का यूज़ करोगे, ठीक है। और टाइप कास्टिंग आपके पास इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसी वक्त अंदाज़ा होगा। फिर जब आप ऐसा करोगे ना कि ऐसा होता है कि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उस वक्त जहन में नहीं आ रही होती, रन टाइम पे ना लॉजिक आपकी उस वक्त क्रिएट नहीं हो रही होती, तो फिर मोस्टली ऐसा होता है बहुत सारे डेवलपर्स स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं, वहाँ पे विजिट करते हैं, वहाँ देखते हैं, अपने क्वेश्चन को सर्च करते हैं, तो वहाँ कुछ उनको हिंट मिलता है, ठीक है। फिर वहीं पे आपको इस तरीके का हिंट मिलेगा कि आप क्या करो, आप टाइप कास्टिंग का यूज़ करो, आप डेटा की टाइप को चेंज कर दो, क्योंकि आप जो क्यूरी चला रहे होगे वो नंबर के साथ चला रहे होगे, लेकिन वो जो डेटाबेस से डेटा आ रहा होगा वो स्ट्रिंग में आ रहा होगा, तो उस वक्त इसकी बड़ी नीड होती है, ठीक है। जब ये आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा उस वक्त। अच्छा अभी देखें मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे दो चीज़ों को कन्वर्ट किया, एक मैंने स्ट्रिंग को नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट किया और एक मैंने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह मैं इसको एरे में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आके
क्या लिख दूंगा, एरे लिख दूंगा डबल आर। और अब यहां पे आऊंगा तो ये एरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसने क्या दे दिया, अपना इंडेक्स नंबर दे दिया मुझे, ठीक है, इंडेक्स नंबर यहाँ पे दे दिया। और इंडेक्स नंबर में जीरो, इंडेक्स नंबर पे एक ही इसने वैल्यू रख दी जो कि फोर थी। क्लियर हो गई इतनी बात सबको?